ठीक हो ना? ये पेशेंट मेरे ट्रीटमेंट में थी 9 महीना, और आज इतने अच्छे दिन है, गुरु पूर्णिमा का दिन है, और आज ये 4 बच्चे यहाँ पे ऑपरेशन द्वारा पैदा हुए हैं। क्योंकि ये चारों बच्चे भेड़े थे, सीधे नहीं थे, इस वजह से हमें ऑपरेशन करना पड़ा। और मुझे लगता है कि आज के इतने शुभ दिन पर ये मेरे तरफ से मेरे गुरुओं को जो मुझे सिखाए हैं उनके लिए तोहफा है, और भगवान का बहुत बड़ा दया है कि चारों बच्चे एकदम स्वस्थ हैं और माँ भी बिल्कुल स्वस्थ है। तो इसमें दो बच्चे लड़के लड़कियाँ भी हैं? दो लड़के हैं, दो लड़कियाँ हैं। पेशेंट स्वस्थ है पूरी तरीके से? पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है। और बच्चे भी स्वस्थ? बच्चे भी, चारों बच्चे, इवन ऑक्सीजन तक नहीं लगाना पड़ा, एकदम स्वस्थ। तो आपने ये गिफ्ट क्यों किया गुरुओं को? क्योंकि जो भी हम लोग हैं और हमारा जो भी स्किल्स है सर्जरी का, वो तो उन्हीं का देन है, मेरे गुरुओं का ही देन है जो हम लोग सीखे हैं। और एक 4 बच्चे को रखते हुए 9 महीने तक उसको लेके आना, यूजुअली टाइम से पहले ये बच्चे पैदा होते हैं, तो 9 महीने तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी बात है। और मेरे ट्रीटमेंट में रह के उसको 9 महीने तक हमने पहुँचाया, चारों बच्चों को सकुशल माँ के हाथ में दिया। ये मतलब मैं सोचती हूँ कि भगवान का भी मेरे लिए मदद है और अपने ऊपर भी मुझे गर्व है इस बात। गुरु लोगों का जरूर आशीर्वाद है। एबनॉर्मल थे बच्चे क्या पेट में? एबनॉर्मल पोजीशन में थे, पोजीशन में सीधे नहीं थे, तो नॉर्मल होने का ये नहीं था। तो ये आपने गुरु जी को गिफ्ट किया आज? जी।